नमस्कार दोस्तों, मैं यशवंत सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं माई आई टी आई ज्ञान के इस यूट्यूब चैनल के ऊपर। और आज मैं आपको सेल्फ प्राइमिंग पंप के बारे में कुछ जो है जानकारी आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं, क्योंकि मैं सबसे पहले आपको जो है सेल्फ प्राइमिंग होता क्या है और सेल्फ प्राइमिंग पंप का जो वर्किंग है वो क्या रहता है इसके बारे में हम बात करेंगे वीडियो में। इसलिए वीडियो में अंत तक जरूर बने रहें, और यदि आपने अभी तक वीडियो को लाइक और शेयर नहीं किया तो वीडियो को शेयर जरूर किया कीजिएगा, और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि आने वाली पंप से रिलेटेड जानकारी आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं सेल्फ प्राइमिंग पंप के वर्किंग के बारे में कि सेल्फ प्राइमिंग पंप वर्किंग पंप जो क्या होता है और क्या इसका वर्किंग रहता है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जो सेल्फ प्राइमिंग पंप रहते हैं ये जो है किसी भी फ्लूइड को अपनी ओर खींचने में जो है सक्षम रहते हैं, और जिससे जो है जो फ्लूइड है पंप की केसिंग के अंदर जाता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं जो कि ये हमारे पास यहाँ पर सक्शन लाइन है, क्योंकि सेल्फ प्राइमिंग का मतलब होता है कि जो पंप खुद ही जो है प्राइमिंग करता हो। क्योंकि कई पंपों में, चाहे छोटा पंप हो चाहे बड़ा पंप हो, कई पंपों में जो है प्राइमिंग की जरूरत पड़ती है, जिसमें कि प्राइमिंग एक ऐसा जो है साधन है जिससे जो है पंप के अंदर पानी को डाला जाता है, और साथ ही साथ पंप से जो है किसी भी जो है बर्तन से जो है आप पानी को डाल सकते हैं, और किसी भी पंप के अंदर यदि आपको प्राइमिंग करनी होती है तो आपको जो है उसमें उसके अंदर पानी को डालना होता है ताकि उसकी जो एयर है अंदर की बाहर निकल सके और पानी को वो जो है आसानी से जो है डिस्चार्ज कर सके। और इसमें सबसे पहली बात मैं आपको बता दूं कि जो सेल्फ प्राइमिंग पंप रहते हैं वो जो है उनकी जो कैपेसिटी होती है, पंप की जो कैपेसिटी रहती है वो जो है अपनी ओर पानी को खींचते हैं, और जिससे जो है पानी या कोई भी लिक्विड पदार्थ हो वो अपने केसिंग के अंदर आएगा, केसिंग से जो है वो बाहर होकर के जो है पानी डिस्चार्ज होता है। और इसमें जो सेल्फ प्राइमिंग पंप रहते हैं इनका वर्किंग क्या रहता है कि अपनी ओर जो है पानी को खींचते हैं, बशर्ते कि जो आपका जो पानी है जो आपका स्टोरेज है उसकी जो हाइट है थोड़ा सा ऊपर होना चाहिए और जो पंप आपका जो है नीचे होना चाहिए, तभी जो है ये सेल्फ प्राइमिंग पंपिंग को जो है बोला जाता है। ये हमारे पास थ्री फेस का जो पंप है इसमें क्या है कि जो सक्शन जो टैंक है हमारे पास वो जो है इस पंप से ऊपर हाइट में है, हाइट में होने के कारण जो है ये अपनी ओर जो पानी को खींचता है, क्योंकि इसका थोड़ा जो पानी है वो यहाँ पे सक्शन साइड के मुंह के पास आता है। तो जैसे ही जो है आप इसको स्टार्ट करते हैं तो पानी जो है खुद ये खींचता है, और जैसे ही ये पानी को खींचेगा तो ये केसिंग में जाएगा और केसिंग से जो है डिस्चार्ज होके जो है पानी ऊपर जाएगा। ये इसका एक काम है, क्योंकि जो सेल्फ प्राइमिंग का मतलब होता है कि पंप को जो है पूरी स्पीड में जब घूमेगा तो यदि उसको जो है प्रॉपर वे पे जो प्रॉपर जो है पानी नहीं मिलेगा तो उसमें जो है क्या कि एयर गैप बन जाता है, हवा अंदर भर जाएगी और पानी को आगे नहीं जाने देगी, जिससे जो है आपके एक तो आपकी जो डिस्चार्ज पाइप है वो गर्म हो जाएगी, क्योंकि इसका एक ये भी आप जब भी आप पंप को ऑन करते हैं किसी भी, चाहे आपका छोटा पंप हो चाहे बड़ा पंप हो, सिंगल फेस हो थ्री फेस हो, ये जो है क्या करता है कि जब भी पंप गर्म होता है या उसकी जो डिस्चार्ज पाइप है वो गर्म हो सकती है और पंप का जो पंप में थोड़ा सा गर्माहट आपको महसूस होगी जब पानी को वो जो है खींच नहीं पाएगा। यदि आपका जो पंप है जो आपका सक्शन जो स्टोरेज है वो पंप से थोड़ा ऊपर रहेगा तो पंप जो है क्या करेगा इसको थोड़ा सा खींच करके, जैसे ही वो खींचेगा, जैसे ही आप इसको रन करेंगे, जैसे ही आप इस पंप को चलाएंगे तो चलाने के बाद जो है पानी अंदर आएगा और अंदर से जो है एकदम से ऊपर डिस्चार्ज कर लेगा। तो ये सेल्फ प्राइमिंग का एक मीनिंग था जो कि मैंने आपको बताया, क्योंकि ज़्यादातर लोगों को जो है सेल्फ प्राइमिंग के बारे में जानकारी नहीं है। तो यदि आप किसी और पंप के रिगार्डिंग कोई और जानकारी आप चाहते हैं तो आप हमें कमेंट में जरूर कीजिएगा, आने वाले इस महीने आपको उसके ऊपर भी वीडियो जो है जरूर मिलेगी। पंप से रिलेटेड वीडियो जो है हमारे चैनल के ऊपर आपको उसमें समय पर मिलती रहती है। तो दोस्तों वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए ताकि पंप से रिलेटेड जानकारी आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, मिले किसी अन्य वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।